अपने जमाने के मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के अलावा अपनी प्यारी सी मुस्कान से भी दर्शकों का खूब दिल जीता था। ये जितनी अच्छी तरह हंसती थी उतनी ही अच्छी तरह ये रोती भी थी। ये इतनी इमोशनल थी कि बिना ग्लेसरिन लिए रो पड़ती थी। जितने भी फिल्मों में इनका रोने वाला सीन था उसमें इनके रियल वाले आंसू निकले थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 80 के दशक की अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती और कैसे दिखती है? आज के इस वीडियो में हम आपको इनके आज के हालातों के बारे में बताने वाले हैं, पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो यूं तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में 1972 की फिल्म अनुराग के थ्रू ये आई थी। लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान साल 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिली थी, जहाँ पर तुलसी के रूप में ये इतनी पसंद की गई कि इसके बाद बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं और लोगों की डिमांड पर इन्हें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा फिल्में मिली थी, जिसमें हत्यारा, घर के लाज और जहरीला इंसान जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें इनके आज के हालातों के बारे में तो आपको बता दें कि 80 के दशक की सुंदर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जहाँ पहले पतली दुबली थी, इनके बाल भी काफ़ी लंबे थे, वहीं आज 75 साल की उम्र में ये पहले से काफ़ी मोटी हो गई हैं। इनके बाल भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, वो इनके लुक को क्लासी बना रहे हैं। वहीं अभी ज़्यादा साड़ियाँ कैरी करती हैं और बढ़ती उम्र का असर इनके फेस पर भी दिखने लगा है। वहीं बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की तो इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी से शादी की है, जिनसे इन्हें दो बेटियाँ पायल और मेघा मुखर्जी हैं। और उनके साथ ही मौसमी जी अपने करियर को विराम देकर मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, जो आखिरी बार 2015 की फिल्म पीकू में नजर आई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा मौसमी चटर्जी से आपको मिलकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।